नामांगम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लोराज से जा रहा है तो यहां की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनात की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। क्या होगा विनीत का मोटिव? क्या ऐश के फैंस के लिए होगा बड़ा सरप्राइज? किस लुक को कैरी करेंगी इस बार मिस वर्ल्ड? हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉडीगार्ड स्टूडियोज में। 2016 में सरबजीत और ऐ दिल है मुश्किल जैसी मूवीज में अपना जलवा दिखाने के बाद हमारी बॉलीवुड की क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन फिर से सेट करने आ रही हैं ट्रेडमार्क डायरेक्टर SS राजामौली के साथ। इस बार अपने फैंस को सरप्राइज करने और मूवी को ब्लॉकबस्टर हिट बनाने के लिए बॉलीवुड की डीवा आ रही हैं एक हिस्टोरिकल अवतार में। दरअसल मूवी में ऐश्वर्या शिवगामी देवी का यंग अवतार प्ले करने वाली हैं, क्योंकि असल में ये अपकमिंग मूवी बाहुबली नहीं बल्कि उनकी माँ शिवगामी की लाइफ पर ही होने वाली है, जहां हमें ये जानने को मिलेगा कि आखिर माहेश्वरी और शिवगामी का रिश्ता है क्या। वैसे तो मेकर्स ने इस बारे में कुछ खास रिवील नहीं किया है, लेकिन ये सुनने में ज़रूर आ रहा है कि ऐश अपने इस रोल के लिए काफ़ी तैयारियाँ कर रही है, क्योंकि न सिर्फ ये उनका पहली हिस्टोरिकल फिक्शन मूवी होगी बल्कि साथ ही साथ राजामौली के साथ भी उनका ये पहला ही प्रोजेक्ट होने वाला है। अब अगर हम मूवी में ऐश्वर्या के लुक की बात करें तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि क्योंकि ये मूवी 500 AD के अराउंड की है तो ऐश का लुक भी उसी हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, और ऊपर से क्योंकि ये सेमी इंडियन और सेमी तेलुगु है तो उसे भी ध्यान में रखा जाएगा। वैसे तो इस मूवी की ड्रेस डिज़ाइनर को ये सब इन्फॉर्मेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने बाहुबली फर्स्ट और बाहुबली टू की भी ड्रेसेस डिज़ाइन की हैं और उस प्रेजेंटेशन का रिजल्ट तो हम सब देख ही चुके हैं। अगर आपको अब अंदर की बात बताएं तो असल बात तो ये है कि मूवी की ड्रेस डिज़ाइनर और कोई नहीं राजामौली की वाइफ रामा राजामौली ही हैं। इन्होंने बाहुबली के अलावा RRR और मगधीरा की भी ड्रेस डिज़ाइन करी थी, और शायद उसी वजह से इन सारी मूवीज़ के कॉस्ट्यूम्स को काफ़ी सराहा भी गया था। अब देखना ये है कि क्या इस बार भी हस्बैंड वाइफ की ये अमेजिंग जोड़ी बाहुबली को वही हाइप मेंटेन करवा पाएगी या नहीं। अब ये बात हम तो नहीं बता सकते, पर आप ज़रूर बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। पर ये सब करने से पहले आपको देखना होगा आज का वीडियो, और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर भी करना होगा। धन्यवाद।